मध्य प्रदेश के 17 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बता दें कि प्रदेश में 32 जिलों में पहले ही मॉनसून पहुंच चुका था, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर समेत 43 जिलों में आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ गया है या लगभग हर क्षेत्र में पहुंच रहा है। मॉनसून ने 17 और जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, नीचम, मदसौर, आगर, शाजापुर, रामगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा और मऊगंज जिलों में मंगलवार को प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि एमपी में वर्तमान में 3 सिस्टम वेस्टर्न डिस्टरबेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इस वजह से पूरे प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को नर्मदापुरम, रतलाम में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। वहीं भोपाल, छिंदवाड़ा, सागर, ग्वालियर समेत कई जिलों में पानी भी गिरा। आगे भी ऐसा ही मौसम रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 43 जिलों के आंधी और गरज चमक का अलर्ट है। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, शाजापुर, रामगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा और मऊगंज जिलों में प्रवेश कर लिया है। अशोकनगर, गुना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, भीमबेटका, श्योपुर कला, झाबुआ, बैतूल, नर्मदापुरम, पंचगढ़ी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और अनूपपुर, अमरकंटक में मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही मुरैना, विदिशा, सागर, रामगढ़, भोपाल, वैरागढ़, एपी, सीहोर, आगर, शाजापुर, इंदौर, देवास, दामोह, पंडुरना, पेंच, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, रतनगढ़, खंडवा, हरदा, छतरपुर, खजुराहो और पन्ना में हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।